Hi, this is Khushbu with a new question of Triangles. This is question number 12, exercise 6.3, page number 141 of NCERT. Sides AB and BC and median AD offer triangle ABC. Is triangle ABC ka side AB, side BC or median AD are respectively proportional to sides PQ? Is triangle ka PQ? Is triangle ki QR? Matlab AB is ki proportional hai? BC QR के proportional है and AD PM के proportional है. So show that triangle ABC ये पूरा triangle is similar to triangle PQR is पूरा triangle. सबसे पहले हम इसका लिखते हैं given और so given है हमें कि AB इसके proportional है that AB upon PQ equal है BC upon QR इक्वल है मीडियन एडी पीएम के एडी अपॉन पीएम टू प्रूफ टू प्रूफ हमें दिखाना है ट्रायंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर नाउ प्रूफ प्रूफ में हमें केवल है कि ये वाली चीज ये सारा इक्वल दिया हुआ है सो दैट मीन्स एबी अपॉन पी क्यू इक्वल दिया हुआ है बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू एडी अपॉन पी एम ये हमें इक्वल दिया है अब अगर हम ऐसा करें इसमें हम लिखें एबी बाय पी क्यू इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी अपॉन हाफ ऑफ क्यू आर अगर मैं उसका हाफ ले रही हूं तो मैं इसका भी हाफ ले रही हूं दोनों का हाफ अगर हम कैंसिल भी करें तभी वो वही का वही रहेगा सो दैट मीन्स इससे कोई फर्क नहीं पड़ता सो अगर मैं इसका भी हाफ लेती हूँ इसका भी लेती हूँ इज इक्वल टू ए बी बाय पी एम तो ये तो आगे रहेगा ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी बी सी हाफ हमारे पास क्या है बी डी या डी सी अगर मैं सिर्फ बी डी लेती हूँ तो ये बनेगा बी डी अपॉन क्यू आर का हाफ इज क्यू एम और एम आर हाफ ईच इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया तो अगर मैं लेती हूँ क्यू एम क्योंकि अगर हम बी डी ले रहे हैं तो उसके प्रोपोर्शन होगा ये इज इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम अब ये ए डी बाय पी क्यू बी डी अपॉन क्यू एम और ए डी अपॉन पी एम ये मतलब ये दो ट्राइंगल्स आ रहे हैं एक ट्राइंगल ये वाला एक ट्राइंगल ये वाला तो दैट मीन्स अगर इनकी सारी साइड प्रोपोर्शनल है तो ये ट्राइंगल सिमिलर होंगे क्योंकि अगर दो ट्राइंगल्स की साइड प्रोपोर्शनल होती है या एंगल्स इक्वल होते हैं तो वो सिमिलर हो जाते हैं सो यहाँ अगर साइड प्रोपोर्शनल है देयरफॉर ट्राइंगल ए बी डी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू एम बाय एस 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 सिमिलर सो अगर ट्राइंगल सिमिलर है तो हम ये कह सकते हैं कि इसका ये एंगल B इक्वल है एंगल Q के सो एंगल B इक्वल होगा एंगल Q के अब अगर हम ऐसा करें हम ले लें ट्राइंगल ABC और PQR बिकॉज हमें उसको सिमिलर करना है सो इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR क्या केवल है हमारे को इसमें कि एंगल B इक्वल है एंगल Q के एंगल बी एंगल पी क्यू क्यू के इक्वल आ रहा है और हमारे पास गिवन है कि ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी डी अपॉन क्यू एम ये इतना पोर्शन हमारे पास इक्वल गिवन है तो हम इसको यूज कर सकते हैं कि ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी डी अपॉन क्यू एम अब हमारे पास ये दोनों साइड आई है यहां से ये और ये और बीच में ये एंगल आ रहा है दैट मीन साइड एंगल साइड यहां पर भी ये साइड आई है और बीच में ये एंगल है दैट मीन साइड एंगल साइड से हमारे बड़े वाले ट्राइंगल्स होंगे सिमिलर सो इसको हम ले सकते हैं ए बी अपॉन पी क्यू इसको बी डी अपॉन क्यू एम लिखे बिकॉज सिर्फ इस ट्राइंगल में रह जाएगा हम उसको ले सकते हैं बी सी अपॉन में क्यू आर बिकॉज ये सारे इक्वल है अगर ये इसके इक्वल है ये इसके इक्वल है यहां पर भी ए डी बाय पी एम है भी है दैट मीन्स ये भी आ सकता है तो हम इसको लेते हैं बी सी अपॉन क्यू आर बड़े वाले ट्राइंगल के लिए क्योंकि इसमें बी सी अपॉन क्यू आर आ गया सो ये इक्वल हो गए देयरफॉर ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर
by SAS, similarity. SAS similarity पे हमारे triangles हो गए similar. So इस triangle के लिए rather than हम इसको लें, ये चीज इसके भी equal है और ये वाली चीज इसके भी equal है, तो हमें इस value को लिया है because वो बड़े वाला triangle है. Right? So this was question number 12 of exercise 6.3. कोई भी doubts हो, please do write to us. So नीचे space given है उसमें लिखिए और हमें बताइए. And do watch the next video for some more questions. Goodbye.